पीरियड फिल्म है, लोग समझते हैं पता नहीं 40s की फिल्म है, नंदिता बड़ी सीरियस टाइप की है, पता नहीं कैसी फिल्म होगी, लेकिन ट्रेलर के रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि बहुत लोग रिलेट कर पा रहे हैं। आई थिंक लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट से ज़्यादा ज़रूरी शब्द है एंगेज। अगर ऑडियंस एंगेज हो गई तो फिर वो ये नहीं ढूंढती रहती कि सिर्फ गाने बजाने से ही एंटरटेन हो सकते हैं। और ये एक इंसान की, एक राइटर की कहानी है, और वो किस तरह से, उनकी क्या परेशानियाँ थी, वो क्यों बॉम्बे जिस शहर को वो इतना प्यार करते थे, वो कहते थे मैं चलता फिरता बम्बई हूँ, तो ऐसा ऐसा एक आदमी जो इतना प्यार करता है वो क्यों चला गया, क्या वजह हुई कि वो लाहौर गए, फिर उनके साथ क्या बीता, किस तरह की उन्होंने कहानियाँ लिखी, कहानियों की भी झलक आपको दिखाएंगे। यूथ आइकॉन का जो अवार्ड आज मिला है, फीलिंग बहुत अच्छी है, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये एक ऐसा अवार्ड है जिसके लिए आप एक बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट होस्ट के लिए, बेस्ट प्रोड्यूसर के लिए, सब सिंगर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये आपकी लाइफ में तब होता है जब आप अपना काम सही तरीके से करें, और करते करते कहीं ना कहीं कुछ लोग जो यूथ है जो आपको देखते हैं वो आपसे इंस्पायर होना शुरू करें, तो ये आई एम ग्रेटफुल कि लाइफ में ऐसा काम करने को मिला, ऐसी चीज़ें करने को मिली जिसकी वजह से पीपल लुक अप टू मी, और आई एम हैप्पी दैट आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट। लेकिन इसके साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके साथ आता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको अभी और भी तगड़े तरीके से करना है, एंड मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को जो प्यार करते हो एज अ पैशन, उसके पीछे आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी फील्ड हो, और मैं अपने यूथ को बोल रहा हूँ, सो दैट वो पैशन आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन जाए जिसकी वजह से आप खुश रहें, आप एफिशिएंट रहें, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको तरक्की मिले, एंड वो मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं एक अपने एग्जाम्पल से बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को की तरफ मेहनत करें और टाइम वेस्ट ना करें एक यंग एज में, तो आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। ये आज हमारी जोड़ी का अवार्ड मिला है, कृष्णा सुरेश की जोड़ी इतनी हिट हुई है, लोगों ने इतना पसंद किया है, प्यार दिया है, तो आज ये अवार्ड मिला है। हर अवार्ड से जब मैं अवार्ड फंक्शन से जब घर जाता हूँ एंड माँ बाप को अपना अवार्ड देता हूँ, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, आई थिंक दैट इज प्राइसलेस। सो एवरी अवार्ड इज स्पेशल, बट आई थिंक दिस विल बी वेरी स्पेशल क्योंकि इंडस्ट्री के बाहर से मिला है, इट्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड आई थिंक दैट इज वंडरफुल क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टेलीविजन इंडस्ट्री से हमारा काम बाहर जा रहा है और लोग उसे पहचान रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ मेरे लिए।